Hello friends, welcome to English Shorthand. Today's topic is Gramalogs part 19th. 18 parts हम कर चुके Gramalogs की, ये हमारा 19th है. अब आप कहेंगे कि मैडम तो फिर से Gramalogs लेके आ गई. तो फ्रेंड्स, जब भी किसी भी चैप्टर में अगर Gramalogs आते हैं, चाहे वो दो हो, चाहे पाँच हो, चाहे सौ हो, हम Gramalogs को छोड़ेंगे नहीं. हमें Gramalogs की भी उतनी ही अच्छे से तैयारी करनी है जितनी हम चैप्टर्स की करते हैं, ठीक है. सो आ गए हैं आपके Gramalogs फिर से, क्योंकि फ्रेंड्स Gramalogs के बेस पे ही आप आउटलाइन को छोटी बना सकते हैं. और हाँ, किसी भी आउटलाइन को रीड करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी आउटलाइन होती है जिसमें Gramalogs दे देंगे, कोई वर्ड ना देगी, Gramalogs का कोई भी साइन दे देंगी, जिसको रीड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. सो Gramalogs तो आप लाइटली मत लीजिए. जितना इम्पोर्टेंस आप चैप्टर को दें, उतना ही Gramalogs को भी दें, ओके. सो ये हमारे Gramalogs आए थे प्रीफिक्स में. सो चाहे वो दो हो, चाहे सो हो, हम Gramalogs का साथ के साथ करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो Gramalogs है हमारा, सेल्फिश या सेल्फिशनेस, किसी भी वर्ड में अगर आता है तो उसकी आउटलाइन होगी हमारी सर्कल एस लगाते हुए एस एच, ठीक है. टच द लाइन, सेल्फिश या सेल्फिशनेस के लिए टच द लाइन एस एच बनाएंगे सर्कल एस लगा के. नेक्स्ट है इंस्क्राइब या इंस्क्राइब्ड एस के आर, और इसके पहले इन है जो हम मैं आपको चैप्टर में करवा ही चुकी. तो स्मॉल हुक लगाते हुए इंस्क्राइब. नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन इन बिफोर एस के आर टेंशन इंस्क्रिप शन, ओके. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन इन, सो ये होगा हमारा इंस्ट्रक्शन, ओके. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टिव, आउटलाइन शुड बी इंस्ट्रक्टिव. एफ और वी का हुक हमने पढ़ा था, ये हमारा फाइनल हुक वी के लिए है इंस्ट्रक्टिव, ओके. ये हमारे थोड़े से Gramalogs हैं प्रेफिक्स से रिलेटेड. अब इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाएंगे, मेकिंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ Gramalogs. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी आर हैविंग द कॉर्नर स्टोन्स इंस्क्राइब दिस वीक. वी आर कैन बी जॉइंट, जो हमारे जॉइंट हो सकते हैं उन्हें हम जॉइंट करेंगे, ओके. सो ये होगा हमारा वी आर हैविंग हैव और इंग द कैन बी जॉइंट, जो हमारे जॉइंट हो सकते हैं उन्हें हम जॉइंट करेंगे. कॉर्नर कॉर हुक लगाते हुए एन के साथ कॉर्नर देन है स्टोन्स सर्कल एस एन के हुक के साइड में जहाँ हमारा एन हुक लगता है उसी तरफ स्टोन्स, ओके. जो वर्ड्स हमारे जॉइंट हो सकते हैं उन्हें हम जॉइंट करेंगे कॉर्नर स्टोन्स. अब के और आर, के साथ हमारा आर हुक है और मिडल में ओ है, इंटरवेनिंग वोवल फर्स्ट प्लेस का है, तो ऊपर से हम फर्स्ट प्लेस पे इसे डैश लगा देंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड इज दिस Gramalogs, तो ये होगा हमारा इंस्क्राइब्ड दिस वीक दिस, और ये होगा एब्रीवेटेड डब्ल्यू वीक, और डॉट का कर देंगे हम क्रॉस, ओके. यही फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस ना देखे वो अगर कोई आउटलाइन देते हैं तो इस आउटलाइन का पे आपको रीड करनी है. ये आउटलाइन है, आप आउटलाइन रीड कीजिए. वी है इतना है, फिर आर है, ये हम जॉइंट कर सकते हैं, ये हमारी फ्रेज भी है. सो जॉइंट करने वाले हम फ्रेजिंग को उनको जॉइंट कर सकते हैं. दी की हम एन टिक आपको करवा चुकी हूँ, हैविंग दी कॉर्नर स्टोन इंस्क्राइब दिस वीक एंड डॉट, क्रॉस को आप डॉट कर देंगे जब आप इसे रीड करेंगे आउटलाइन को, ओके. नेक्स्ट सेंटेंस है इट वुड बी इंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल टू हैव ए ट्रांसलेशन. इट वुड बी,
So outline should be it, would, gravelogs है हमारा, then be. It would be तीनों joint हो सकते हैं तो joint करेंगे. Instructive gravelogs है, so same आप बना दीजिए gravelogs. Instructive and useful. Useful के लिए हम ये वाला बनाएंगे use f l useful. ओके फुल ठीक है यूजफुल. टू हैव जॉइंट कर सकते हैं टू हैव ए ट्रांसलेशन. यहाँ आप देखेंगे ट्रांस है, ट्रांस में फ्रेजेस उसमें प्रीफिक्स में आपको करवा चुकी कि जो एन है वो ओमेटिंग होगा कॉन्ट्रैक्टेड बाय ओमेटिंग एन. सो एन ट्रांस ट्रांसलेशन एन इसके अंदर हाइड होता है ट्रांसलेशन. ओके और डॉट का कर देंगे हम क्रॉस. ज़्यादा सेंटेंस हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास है वो बिटवीन शॉर्ट एंड, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए. मैंने आपको दो सेंटेंस करवाए हैं, ये हमारे ग्रैमलॉक्स हो गए प्रीफिक्स के. ओके सो फ्रेंड्स यहाँ हमारा होता है ग्रैमलॉक्स का जो हमने प्रीफिक्स में हमारे ग्रैमलॉक्स आते हैं वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है. ये हमारे ग्रैमलॉक्स है, इन ग्रैमलॉक्स को सेंटेंस में यूज़ कीजिए और उसकी आउटलाइन बनाइए. पहले आपको क्या करना है एक एक ग्रैमलॉक्स, यहाँ सेल्फिशनेस है सेल्फिश लिखिए और इसको जो हमारी जो ये हमारा स्ट्रोक हमने बना रखी है आउटलाइन बना रखी है सेल्फिश की उससे बनाइए पूरे पेज पे रीड करते हुए सेल्फिशनेस. ओके इंस्क्राइब्ड. ओके कीप प्रैक्टिसिंग कीप वॉचिंग. थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय. एंड आपको लगे वीडियो नॉलेजेबल है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. बाय बाय टेक केयर.